कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, या फिर इंटरनेट पे जो बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो टेम्पलेट हैं, वो तो मेरे काम के ही नहीं है। हाय, मैं हूँ आकांक्षा, मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, एक ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट हूँ। जब मैंने एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर अपने करियर की शुरुआत की थी, अपने सेकंड करियर की शुरुआत की थी, तो जो मेरा सबसे पहले क्लाइंट थे, जिनके साथ, जो कि एक मीडिया कंपनी थी जिनके साथ मैंने एज अ कंसल्टेंट काम किया था, इनफैक्ट करती हूँ, उन्होंने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा था। और वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं था, सिर्फ एक मेल में 4 पॉइंट्स लिखे हुए थे। और उससे मुझे समझ में आया कि इंडिया में एक्चुअली फ्रीलांसर्स को काफ़ी इसे हल्के में लिया जाता है और सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाता है, बस कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस होना चाहिए। तो फिर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू क्रिएट अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने चैनल पर फ्रीलांसिंग से जुड़े हर तरह की इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, कैसी जॉब्स ओपनिंग्स हैं, कैसे रिमोट वर्क है, कैसे वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, कैसे आप एज अ फ्रीलांसर ग्रो कर सकते हैं, इस पर वीडियोस बनाती हूँ। तो मेरे चैनल पर आपको घर बैठे बैठे अपना एक फ्रीलांसिंग करियर एस्टैब्लिश करने की अच्छी इंसाइटफुल जानकारी मिलेगी फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। मैंने 10-12 साल एज अ रेडियो जॉकी काम किया, 3 साल मैंने एक टीवी में एज अ टीवी प्रेजेंटर काम किया, और फिर उसके बाद जब पैंडामिक में व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब, मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, क्योंकि उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग काम किया हुआ था एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज अ स्टेज एंकर एंड एज एन एमसी। तो मुझे पता था कि मैं अपने ऑडियो और वीडियो स्किल्स के बेसिस पे फ्रीलांस काम ले सकती हूँ। और जब मैंने मार्केट में सोर्स करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यूट्यूबर, यूट्यूब होस्ट, स्पोक्स पर्सन, वीडियो प्रेजेंटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कॉन्टेंट क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर, ऐसे लोगों की जरूरत होती है। देन आई रियलाइज कि मैं मेरे जो ऑडियो वीडियो के स्किल्स हैं एज अ फ्रीलांसर यूज कर सकती हूँ। अब जब मैंने सबसे पहले काम करना शुरू किया, तो स्किल्स तो मेरे पास थे, लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना, इनवॉइस बनाना, ये सब कुछ मैंने सीखा। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि नॉन पेमेंट हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट काम आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि नॉन पेमेंट अगर होता है तो फिर डेफिनेटली आपको किसी ना किसी लॉयर की तो जरूरत पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी बहुत काम में आता है क्योंकि उससे कुछ आपके काम करने की जो गाइडलाइंस होती हैं वो सेट हो जाती हैं और कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं रहता है। दूसरी बात कि जब तक आपकी इनकम साल की 20 लाख से ऊपर नहीं हो जाती है, तब तक आपको किसी तरह के प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपके प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो 10 लाख से ऊपर नहीं है, तो प्लीज आपको कोई लॉयर या कॉन्ट्रैक्ट हायर करने की जरूरत नहीं है। और उस केस में हो सकता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो खुद ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा के आपको दे, बस उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड अच्छे से कीजिएगा। इससे पहले कि क्लाइंट आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के दे, बहुत अच्छा होगा आप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दे। यहां पर मैं आपको बोनस टिप देना चाहूंगी, नेवर कॉल इट अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रीलांसर से ये सोच के काम कराते हैं कि कम पैसों में काम करा लेंगे, बहुत ज्यादा हैसल्स नहीं होंगे, बहुत ज्यादा लीगल चीजों में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप हमेशा उन्हें ये बोलिए कि मैं आपको एक प्रपोजल, बिजनेस या वर्क प्रपोजल ड्राफ्ट करके दूंगी या दूंगा, और वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो ऑलवेज कॉल इट एज अ बिजनेस प्रपोजल। मैं हमेशा इसको ऐसा वर्क प्रपोजल और बिजनेस प्रपोजल बोलती हूँ, जिसमें मैं वही कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजें ऐड कर देती हूँ। इससे हमारा कम्युनिकेशन फ्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट मैं कैसे बनाती हूँ। नंबर वन, मैं कॉन्ट्रैक्ट ईमेल की बॉडी में बनाती हूँ, यानी कि बॉडी पार्ट में ही सारी चीजें इंक्लूड कर देती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट ये सोचते हैं पता नहीं कौन सा कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना के भेज दिया है, आई एम नॉट गोना रीड इट। दैट्स वाई जो मेजर पॉइंट होते हैं वो स्किप हो सकते हैं। इसीलिए आप सिर्फ ईमेल की बॉडी में मेजर मेजर जो आपके पॉइंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह बना के दीजिए। नंबर वन बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ टास्क और नंबर ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, इफ आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो फॉर अ क्लाइंट, तो मैं उसमें नंबर ऑफ सर्विसेज इंक्लूड करती हूँ। नंबर वन कॉन्टेंट प्रोक्योरमेंट और रिसर्च, नंबर टू स्क्रिप्ट राइटिंग, नंबर थ्री वीडियो प्रेजेंटेशन, वॉइस ओवर, जिस भी तरह का वीडियो है, नंबर फोर एडिटिंग सर्विसेज, नंबर फाइव फाइनल उसके ऊपर कोई भी सर्विसेज चाहिए, जैसे थंबनेल बनाना, कुछ ग्राफिक्स बनाना,
तो वो सारी सर्विसेज में ऐड करके ऐसे नंबर ऑफ टास्क ऐड करती हूँ ताकि जब उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इनवॉइस जाए या बिजनेस प्रपोजल जाए उनको समझ में आए कि ये इतने सारे काम हैं और उसके इतने पैसे दिए जा रहे हैं, तो उनको बहुत जस्टिफाइड दिखना चाहिए. ओके, दूसरी चीज डिलीवरी डेट या स्केड्यूल. फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लाइंट के साथ वन टाइम है तो आप डिलीवरी डेट डालेंगे, किसी क्लाइंट के साथ आपको रेगुलरली काम कंप्लीट करके देना है तो आप स्केड्यूल डालेंगे कि बाय मंडे मैं आपको ये चीज डिलीवर करूंगा, बाय वेडनेसडे मैं आपको फिनिश्ड काम करके डिलीवर करूंगा. सो ऐसे आप अपना एक स्केड्यूल बना सकते हैं. एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्लाइंट को आपको कुछ सामान देना है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्टेंट स्टफ देना है, कोई लिटरेचर देना है, कोई आर्टिकल देने हैं, कोई ब्लॉग देने हैं जिनके बेसिस पर आपका काम होने वाला है, तो उसका भी डेट या टाइमलाइन आप जरूर मेंशन कीजिए. होता यह है कि कई बार क्लाइंट्स को, सपोज मंडे को आपको वो स्टफ देना है जिसके बेसिस पे आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, और आप क्लाइंट आपसे चाहते हैं कि वो आप वेडनेसडे तक उनको कंप्लीट करके दें. अगर क्लाइंट उसको ट्यूसडे को दे रहे हैं, दैट मीन्स इट इज द क्लाइंट्स फॉल्ट. तो उसको आप क्लियरली कीजिए कि अगर आप मंडे को देते हैं तो मैं आपको ये डिलीवर करूंगा, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो पोलाइटली मैसेज में इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं अब आपको एक दिन डिले से इसको देने वाला हूँ या देने वाली हूँ. दैट्स बेसिकली टोटली अप टू यू. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिविजन्स. फ्रीलांस में क्लाइंट्स के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है फ्रीलांसर हैं फ्री ज्यादा रहते होंगे, बट देर आर फ्रीलांसर्स लाइक मी जिनका बिल्कुल स्केड्यूल प्रॉपर होता है, एंड फॉर ऑल माय प्रोजेक्ट्स आई हैव गॉट डेडिकेटेड टाइम. सो आई टेल द क्लाइंट्स कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट में इतना ही टाइम दे सकती हूँ और इसमें आपको इतने ही रिविजन्स दे पाऊंगी. ये आप क्लाइंट को अपफ्रंट कह दें, इससे दोनों का टाइम सेव होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफकोर्स द पेमेंट टर्म्स. पेमेंट टर्म हमेशा आपके वर्क प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्ट में मैंशन कीजिए. इसके अलावा मैं एक बोनस टिप का आपको देती हूँ पेमेंट पे, जो मेरे साथ भी हुआ और मैंने सोचा कि मैं ये सभी फ्रीलांसर्स को बताऊँ. मैक्सिमम जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, अगर वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो वो आपके पेमेंट पे TDS डिडक्ट करेंगे, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि अगर वो किसी को इनकम दे रहे हैं तो उनको TDS डिडक्ट करना होता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं जब आप अपना IT रिटर्न फाइल करते हैं. मान लीजिए कोई सर्विस है जिसके आपको लगता है आपको 10,000 रुपये मिलने चाहिए, तो क्लाइंट उस पर TDS डिडक्ट करेगा 10%. ये हमारे IT सेक्शन 194J के अकॉर्डिंग होता है. तो 10% जब उस पर डिडक्ट करेगा तो तकरीबन 1,000 रुपये आपके इसमें TDS में डिडक्ट हो जाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्लाइंट को पहले ही बोलेंगे कि अगर आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं TDS ऐड करके आपको अपना सर्विस फी देने वाला हूँ. हालांकि वो जो आपका टैक्सेशन पार्ट है वो आपकी सर्विस टैक्स है, ओके, उसे आप वापस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप सर्विस का जो पैसे डिमांड कर रहे हैं वो पूरे पैसे आपको मिलने चाहिए, यानी कि वो ग्रॉस इनकम आपकी होनी चाहिए. तो आप TDS पहले से ही क्लियर कर लें अपने क्लाइंट के साथ कि वो डिडक्ट करेंगे कि नहीं डिडक्ट करेंगे. बस, तो ये मोटी मोटी चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में. इसके अलावा आपको इनवॉइस कैसे जनरेट करना है या फिर आपको और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, इन सब के लिए काफी अच्छी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको काफी रिसोर्सफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है. वो कौन सी है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, 5 रिसोर्सफुल वेबसाइट्स फॉर फ्रीलांसर्स, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं. और फ्रीलांसिंग से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिएगा. freelancing.com, fiverr.com, guru.com, upwork.com, ये वेबसाइट्स कैसे यूज करनी है, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इनसे जुड़ा अगर आपको कोई सवाल है, अगर आप कुछ चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मैं ट्यूटोरियल वीडियोस भी आपके लिए बना सकती हूँ. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप भी मेरी तरह एज अ वीडियो प्रेजेंटर, एज अ स्पोक्स पर्सन और यूट्यूब होस्ट दूसरे क्लाइंट्स के लिए काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है. वो लिंक पे आप क्लिक करके मुझसे आप एक 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं एक वीडियो प्रेजेंटर बनने की, एक TV होस्ट बनने की या फिर एक YouTube होस्ट बनने की ट्रेनिंग भी देती हूँ. तो आप वो मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.